बालेश्वर सदर उपनिर्वाचन जिते बड़े प्रचार जोर धरती से बीजेपी प्रचार मंग धरती खुद केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी तेरे मंत्री जिते बड़े विभिन्न अंचल जा लोकों सुविधा असुविधा कथा बुझुच्च आम बर्तमान गोटे पंचायत अच्छू जो भोटर मैंने निजे आंत्री पाखक सब बड़ जिनस जो मैंने भी भोटर रही समस्त कमन अभोग है पीवाई पा मिलूनी घरपाई पक्का घरपाई लाच मगा जा कि महिला अच्छा जे मंत्री को अभोग कर प्रथम प्रतिक्रिया नेबी आपन कहते घरपाई किए आपको लाच मगुच घर नाच मगुच घर चुस टाइम लाच मगुच किए मगुच जे कर देबा पाई जे कहू जे चाहे से लोक ना कोनो से लोक ना से के लोक वीडियो ना सरपंच मु कहि बारे में सारे से लोक को ना कोन पार्टी लोक आमो पार्टी लोक भी अन्य पार्टी लोक भी अन्य पार्टी लोक सर कौन कहबे प्रधानमंत्री आवास योजना रोच प्रधानमंत्री आवास योजना लोक साधारण माटी घर एवं लोक रोच्च प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार कहते विजु पक्का घर भी योजना दि जाऊँच कि साधारण लोक घर पर किसी दि जाऊन केवल बीजेडी एमएलए मैंने कोटारे बांटापी पैसा नहीं दिखाई कि प्रधानमंत्री आवास योजना दिखाई ब्लॉक माध्यम पंचायत माध्यम कौन दल मत निर्विशेष समस्त को देवाई विजु पक्का घर केवल बीजेडी वाला पाँच किंतु प्रधानमंत्री आवास योजना सब दल लोक पाँच योग्यता भितर किंतु से जो सरकारी अफसर मैंने बीजेडी जो कूजी नेता मैंने बीजेडी निर्वाचित प्रतिनिधि मैंने जो मैंने दलाली करें कठोर कार्यानुष्ठान करने जनसाधारण को सहयोग मागुची जे लोक मैंने कार्य को टंका देवे ना मुझे जी टा मगुच से मोर पंचायत सभापति ना जिला सभापति को जनातु ना मोर पीएम मानक जनातु जनइले तार प्रतिकार कर जदि कई टंका नहीं मतलब लिखिकी देवे मुझे टंका फेरस्त करवस्था करी सर आप स्थानीय सांसद अच्छा पक्का घर पर टंका मगुच विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान कड़ा कार्यानुष्ठान मत गोटे लिखी दू निर्दिष्ट ना कड़ा कार्यानुष्ठान हो कि नहीं मत कहे सर गोटे बड़ जिनस वर्तमान गोटे पाखापाखि डेढ़ वर्ष पर साधारण निर्वाचन पर गोटे उपनिर्वाचन आत साधारण निर्वाचन आम जहाँ देखीलु भोटर निजर मुड बदल पूर्व जितेबाला लगातार भाव में बीजेडी जीति आसाला गत थर बीजेपी जीतला एवं जो उपनिर्वाचन हम मुद्दा जहाँ थी 2019 एवं भी ताकि नुआ मुद्दा आँ जदि गोटे वर्ष भितर आम जब देखा जो प्रवासी को ओडिशा फेरे आने विफलता कहतु किंवा कोरोन सरकार विफलता जो मुख्य प्रसंग पलटि ये किसी मस भर ताचन में किसी गोटे बड़ विषय पलट कि गोटे नुहे जिते गोटे डाक्तरखाना शहेटा सीट आप 2000 पेसेंट हे से निश्चय असुविधा हे सेमती कोटि कोटि लोक जगह को फेरबार सरकार अनेक तत्परता प्रदर्शन करते भारत सरकार ने किसी उणा करतापर भी बहु लोग असुविधा है प्रधानमंत्री आरंभ कर मो पी सामान्य लोक पर्यटन बारंबार क्षमा मांगीचु किंतु प्रवासी सर बहु प्रवासी ओडिशा आसते कि सरकार थैथान करेंगे कहते राज्य सरकार किपारे पुणी थे फेरीगले देखो केन्द्र सरकार अनेक योजना अर्थ देखते राज्य सरकार तो क्रियान्वित करेंद्र राज्य जो व्यवस्था अच्छी केन्द्र सरकार सीधा सड़क आसिक हस्तक्षेप करें तेणु राज्य सरकार जो अपारगता अच्छी से आम ओडिशा रे बीजेपी सरकार आने चेष्टा करजेपी सरकार आसे असुविधा अनेक परिमाण दूर होजेपी शासित राज्य मानक अनेक समस्या समाधान होती मोर कह कथा जे भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिचालित जो सरकार ये सरकार भारतर उन्नति अनेक जगह प्रशिक्षण केन्द्र करने राज्य सरकार मानक पैसा देते जो मैंने माइग्रेंट लेबर आसते से प्रशिक्षित करके काम देवाई कहुता कि राज्य सरकार तापारे ना राज्य सरकार इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं मेकानिजम नहीं इच्छा शक्ति ना से केवल प्रचार तंत्र में माहिर से आम चाहूँ भारतीय जनता पार्टी शासन आसू इस समाधान होपर भी केन्द्र सरकार भारत ओडिशा सरकार को अनेक रेगुलेटरी कर प्रति परिवार को प्रति व्यक्ति को टीका देकरी कोरोना को नियंत्रण करने चेष्टा कराऊँ समस्त मागणारे टीका 550 टंकार टीका प्रति व्यक्ति को देवाई भारत सरकार योजना करते अर्थव्यवस्था भी कर राज्य सरकार धुआं बाण मार टा देते क्या टंका देच कौन मुख्यमंत्री को पचरा जाए नवीन बाबू को भी पचरा जाए तुम्हें कौटी टीका बाहर कल क्या देच कौ कंपनी सहित एमओ कर जवाब दि 4 कोटी जनता ओडिशा जवाब मागुच ये केवल धप्पाबाजी बड़ जालियाती दल हूँ बीजेडी दल आप सर बहु पंचायत बुली सारे लोक मुड कौन रही मंगू भाई पुह को मानस है जिते आग थर ठार डबल भोट्रे जिते आप देखिए सर गोटे बड़ जिनस उठू आम आज सका खबर प्रसारण करपड़ा पंचायत में आम जहाँ देखा पाइल जड़े एस एच जी महिला घर घर बुली जो मान कच्चा घर अच्छी पलिथिन बांटुते महिला जहाँ अभोग रही है जो मैंने शख चिन्ह लोक अच्छा केवल बैठक को जब जो बोर्ड अफ कंडक्ट लगी कोड अफ कंडक्ट लगी स्थित
ରେ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳା କିଭଳି ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇକି ଜାଲି ଭୋଟ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଯାଇକି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଏଲ୍ଓ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି, କାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନୁ ଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ଆଇଜିଆଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଛି। ପୁଣି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ହେଇଥାଉ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ଚାକିରିଆ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ସରକାରର ଚାକିରିଆ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାକିରି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି ପଡ଼ିବନି, ଜଣେ ଡରୁଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଘର କରିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏହା ବାଦେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ରହିଛି, ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଡବଲ୍ ଭୋଟ୍ରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ରହୁଛି, କିଏ କେତେ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।